हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे भुना हुआ मकई यानी रोस्टेड कॉर्न। और देखिए बिल्कुल इस तरह से बनेगा, तो चलिए इसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ दो मकई यानी भुट्टा लिया है। अब इसका जो छिलका है इसे हमें निकाल लेना है, बिल्कुल प्यार से छिलका हमें निकाल देना है। इसे छीलने में बहुत मज़ा आता है। छिलके को अच्छे से साफ़ करने के बाद दोनों भुट्टे को हमने इस तरह से साफ़ कर लिया है। और इसका दाना सॉफ्ट होना चाहिए और थोड़ा बड़ा होगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। अब गैस के ऊपर हमने एक जाली रखा है, इसके ऊपर हम भुट्टे को रख देंगे और इसे मीडियम हीट पे रोस्ट करेंगे। हर तरफ से पलटते हुए इसे हमें भूनना है और बिल्कुल इसी तरह से इसमें कलर आएगा। एक साइड में आप बहुत देर तक ना रखें वरना ये जल जाएगा। जब हर तरफ से भुट्टा अच्छे से सिक जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इसे सेक लेना है। और यहाँ पे हमने एक नींबू लिया है, नींबू का जो बीज है उसे मैंने निकाल दिया है। अब एक छोटे से प्लेट में हाफ टी स्पून के करीब काला नमक लेंगे, जो हमने नींबू लिया है उसका एक पीस लेंगे और इसमें थोड़ा सा काला नमक इस तरह से लगाएंगे। अब नमक लगा हुआ नींबू को हल्का सा निचोड़ते हुए भुट्टे के ऊपर इस तरह से हमें मसाज करना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और नींबू को लगा लीजिएगा। दूसरे भुट्टे के ऊपर भी इसी तरह से हमें नमक और नींबू को लगा देना है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और ये हमारा रोस्टेड कॉर्न बनके तैयार हो चुका है। और भुट्टे का जो छिलका था उसमें से दो छिलका हमने रख दिया है, इस तरह से हम डंडन के ऊपर लगा देंगे, इससे ये खाने में आसानी होगी। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें।